नागपुर अ सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया विद द डेवलपमेंट ऑफ इको फ्रेंडली मेट्रो एंड इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डबल डेकर फ्लाईओवर नागपुर इज जस्ट अनस्टॉपेबल नाउ. नागपुर once considered to be a green city is now turning into a polluted city. Nagpur Municipal Corporation is taking steps to curb the rising air pollution which needs support from the locals. By doing a bit of our social responsibilities we can contribute more towards the initiative taken by NMC. Nagpur shahar vayu pradushan se mukt ho is disha mein mahanagarpalika kuch kadam utha rahi hai. Mera samast नगरजनों से विनम्र निवेदन है कि इसमें नागपुर महानगर पालिका का वे खोल करके सहकार्य करें. नियमित रूप से आपके घर के समक्ष जो कचरा गाड़ी आती है उस कचरा गाड़ी में कचरा डालने के लिए आप गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखें. यह प्राथमिक निवेदन है. या गीला और सूखा कचरा आपके घर में ही अलग अलग रहे तो उसे संकलन करने में सुविधा होगी. साथ ही साथ आपके घर आने वाली गाड़ी अगर नियमित नहीं आती है तो उसकी सूचना महानगर पालिका को दें. वह गाड़ी जो है जो कचरे को लेकर के बाहर जा रही है वह गाड़ी ऊपर से ढकी है या नहीं इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें. अगर नहीं है तो महानगर पालिका को उसकी भी सूचना दें. आप अपना वाहन चलाते समय आपका वाहन कहीं अधिक धुआं तो नहीं फेंक रहा है इसके तरफ आप स्वयं ध्यान दें. आपका PUC रेगुलर हो रहा है या नहीं इसके तरफ आप स्वयं ध्यान दें. आपके पड़ोस में रहने वाले नागरिकों की गाड़ी में भी अगर तकलीफ है तो पड़ोसी का धर्म निभाते हुए उनसे भी निवेदन करें कि भाई आपकी गाड़ी ज़्यादा धुआं फेंक रही है इसको ठीक से कर ले करके. इस शहर में चलने वाला कोई भी वाहन अगर वायु को प्रदूषित करता है तो उसे उस वाहन चालक का नहीं इस शहर के रहने वाले प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है. इसलिए एक आदमी की गलती से शहर का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है. इसलिए नियमित गाड़ी की आप सर्विसिंग कराएं. गाड़ी को चलाते समय RTO ने जिन निर्देशों का पालन करने का हमें निर्देश दिया है जिससे फ्यूल कम खर्च हो उस दृष्टि से प्रयास करें. सिग्नल पर खड़े होते समय अपने वाहन को बंद कर दें. आवश्यक नहीं है कि उस समय आपका वाहन चालू रहे. नए नियमों के अंतर्गत 4-व्हीलर को 15 साल के बाद स्क्रैप करने का नियम बना हुआ है उसका आप लाभ लें. उसका आर्थिक लाभ भी आपको मिलेगा. साथ ही साथ पर्यावरण पूरक बनने के लिए महानगर पालिका ने अपने वाहनों को CNG के माध्यम से चलाने का निर्णय लिया है. महानगर पालिका अपने परिवहन की बसें CNG पर कन्वर्ट कर रही है. महानगर पालिका अभी 40 इलेक्ट्रिक बस ले रही है. हमने एक बड़ा निर्णय शुरुआत की है. स्मार्ट सिटी में हमारी जो CEO है इनके लिए गाड़ी खरीदनी थी. महापौर की हैसियत से मैंने निर्देश दिए कि वो गाड़ी हम इलेक्ट्रिक बाइक ही लेंगे करके. हम वो 4-व्हीलर जो लेंगे वो इलेक्ट्रिक पर चलने वाली ही लेंगे इसकी शुरुआत भी हमने कर दी है. हमारे प्रशासन में हमारी बाकी गाड़ियां भी CNG पर संचालित हो सके इस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं. इथेनॉल से चलने वाले वाहन नागपुर में बढ़ सके इसलिए इथेनॉल को नागपुर शहर में हम लोग पंप उपलब्ध कराने के लिए अनुमति भी दे रहे हैं जगह भी उपलब्ध करा करके दे रहे हैं. यह सारे उपक्रम हम किसके लिए कर रहे हैं इस शहर के नागरिकों के स्वास्थ्य को संवर्धन करने के लिए कर रहे हैं. यह शहर दमे से मुक्त हो जाए. यह शहर अस्थमा से मुक्त हो जाए. श्वास की शिकायत से मुक्त हो जाए. लंग्स की बीमारियां इस शहर से कोसों दूर भाग जाए इसके लिए वायु का शुद्ध होना नितांत आवश्यक है. हम तो प्रयास कर रहे हैं लेकिन अगर आप साथ नहीं देंगे तो ये संभव नहीं होगा. इसलिए आपके साथ के साथ साथ महानगर पालिका की कार्यप्रणाली भी हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे. इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा है. Nagpur Municipal Corporation is taking various efforts to make Nagpur city greener. Let us take the oath to refrain ourselves from committing air pollution and as a social duty stop people from doing it as well. Only then Nagpur will become clean city and green city.